माय गॉड, देखिए तो क्या हो गया, तुम्हारा पूरा धूल भर हो गया, लेकिन तोड़ने नहीं सक रहा। जेसीबी भी एकदम पूरा चिल्ला रहा है, बहुत मजबूत है, पुराना था लेकिन फिर भी लेकिन बहुत। फिर से स्वागत है आज आपको फिर से और एक नया ब्लॉग में। आज आप देख रहा होगा मेरा पीछे में पूरा पीएचई का काम चल रहा है। ये जो जितना टैंकी है पुराना अपना पंचायत का टैंकी है, मैं इसको पूरा डिसमेंटल करूँगा। डिसमेंटल करके इसको नया से फिर से रिनोवेशन करके नया जो टैंकी बना के मेरा अपना गांव में मैं पानी दूंगा, क्योंकि ये टैंकी जो बहुत पुराना हो गया और टैंकी का भी हालत थोड़ा ठीक नहीं है। तो मेरा यहाँ में कंज्यूमर भी ज़्यादा हो गया गाँव में, तो इसीलिए इसको अभी नया बना के अभी इसको हम पूरा तोड़ के फिर नया बना के उन लोग को देगा। और ये अपना पंचायत में ही है, आप मेन हाईवे का सामने में आप देख सकता है, क्योंकि ये नया बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। तो आप देख सकता है अभी लेबर आ गया काम कर रहा है और जेसीबी भी आ गया, जेसीबी भी आके काम कर रहा है। मिट्टी कटिंग तो चल रहा है, आप देख सकता है। तो यही चीज़ को आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो एक पंचायत लीडर होने ना आते, क्योंकि काम को भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं काम वालों को काम को दिया हूँ, तो मैं देखने के लिए आया हूँ बिगिनिंग वर्क को, ये काम को अच्छे से करना है बोलते। तो इसलिए मैं बिगिनिंग से मैं इसको लास्ट तक मैं खड़ा करूँगा। और इसी तरह मेरा पंचायत में बहुत जगह में काम चल रहा है, मैं सबका ही देता हूँ मैं सबका, लेकिन आपको वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप बने रहिएगा। लगभग 15 मीटर का काम होगा, लंबाई जो 15 मीटर, चौड़ा जो 6 मीटर होगा, तो देख सकता है। तो इसलिए ये एरिया कम पड़ेगा, इसलिए मिट्टी को काट के फिर से उसको एरिया को बड़ा करेगा, क्योंकि ये एरिया बहुत कम है, तो इसीलिए इसको बड़ा करना है। और ये टैंकी का साइज देखो, टैंकी का भी देखो कंडीशन ऐसे हो गया, पानी भी वो सोर्स ख़राब हो गया। तो हेडवर्क को भी बनाना है ना, अच्छा से बना के पानी थोड़ा लाना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया पूरा तोड़ेंगे अभी, ये पूरा ये टैंकी को इसको वो ये 3 टैंकी पूरा तोड़ देंगे, तोड़ के इसको पूरा फिर से न्यू कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये लेबर लोग वहाँ काम कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये अपना पंचायत में है। तो आप लोग देख के आप लोग जरूर आप लोग अच्छा हमसे लाइक कमेंट करना, क्योंकि मैं एक पंचायत इधर होने नाते मैं हमेशा अपना पंचायत को मैं कुछ अच्छा से ही काम करवाना चाहता हूँ। तो तब तक आप लोग बने रहिए, आप लोग हम आए दिन भर का अपडेट देंगे आज कितना काम होता है यहाँ पर। तो देख सकता है अभी तोड़ शुरू हो गया, मिट्टी कटिंग तो हो गया, ये पूरा एरिया को तोड़ के उसका बाद में फिर उसको नया यहाँ से बनाएगा। तो पीएचई डिपार्टमेंट भी आ चुका है, आप देख सकते हैं, और उन लोग को यहाँ से गांव का पानी को सीधा कनेक्ट करेगा ये लाइन में। तो वही है, तो वहाँ में अभी पूरा काम तो चल रहा है, लेबर लोग भी आ गया कैंप बना रहे और भी। तो पानी लाइन देख सकते हैं, पानी बहुत कम है, जैसे इसको अभी हम वाटर सोर्स से करेगा। और देखिए पूरा इसको पूरा तोड़ेंगे, तो तोड़ के देखेंगे आज दिन भर में क्या होता है। मशीन भी भुरंग भुरंग करके आवाज़ निकल गया, नहीं सक रहा ऐसा लग रहा है। तो देखेंगे जेसीबी आज कितना कर सकेगा, तो वही चीज़ को आपको दिखाने की ट्राई करेंगे, तो आप बने रहिए। ओ माय गॉड, देखिए तो क्या हो गया, तुम्हारा पूरा धूल भर हो गया, लेकिन तोड़ने नहीं सक रहा। जेसीबी भी एकदम पूरा चिल्ला रहा है, बहुत मजबूत है, पुराना था लेकिन फिर भी लेकिन बहुत मजबूत है, अभी भी देख सकता है आप। अभी क्या करेगा आज दिन भर में, इसको तोड़ पाएगा नहीं पाएगा, तो जितने भी वो नीचे वाला को भी आधा तोड़ दिया लेकिन नहीं सब्सक्राइब। तो देखते हैं आज कितना होता है, इसका अपडेट आपको देंगे। तो ये फाइनली अभी पाइप को ज्वाइन कर रहे हैं, पाइप तो अभी यहाँ से ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करके इसका सीधा लेके जाएगा, क्योंकि और आज बहुत एक तो दुख भरी बात भी हो गया, आज मेरा काम भी इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि जो जेसीबी जो मैं लेके आया था वो जेसीबी से आज ये तोड़ नहीं पाएंगे, और क्योंकि ये उससे होगा नहीं, इसको ब्रेकर लाना पड़ेगा, तो यही से पाइपलाइन कर देगा, इसको ब्रेकर ला के तोड़ेंगे। तो जेसीबी को अभी मैं अलग प्रपोज में लेके जा रहा हूँ, तो आज तक के लिए मैं इतना ही आप लोगों को मैं दिखा पाऊँगा। तो मिलते हैं कोई और एक तो नया कंटेंट में, आज देख सकता है यहाँ मेरा काम चल रहा है, तो मिलते हैं। फाइनली जेसीबी को मैं फिर घर वापस ला लिया, क्योंकि वहाँ में जो पानी टैंकी का काम था वो नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट हो गया, तोड़ नहीं पाया, तो इसलिए आज दिन भर का लिए ऐसे भी उसको 12 तो देना ही है, इसलिए और मुझे तो ऐसे भी यहाँ मुझे पुखरी एक खोदना ही था, तो इसीलिए मैं अभी ये लोग को फिर पुखरी खोदने के लिए लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरा घर है, मेरा घर का नीचे में जस्ट ये एक नदी आता है, नदी उस तरफ है, तो यही एरिया का पुखरी खोदेंगे, तो
फ्री खोद के इधर 20 पोन हम खोद के इसमें मछली प्रिजर्व करने के लिए कोशिश करेगा। तो यही है आपको दिखाने के लिए, आज से शुरू कर रहा हूँ। तो देखेंगे कि वो काम और ये 20 पोन में मुझे कितना दिन लगेगा जैसे भी से, तो यही आपको दिखाने के लिए। तो आप लोग बने रहेगा, तो आज का दिन में वही मैं 20 पोन खुदाई कर रहा हूँ। तो फाइनली देख सकता है अभी मेरा 20 पोन इतना तक खुदाई हो चुका है, देखिए। तो यही है, तो मैं अपना घर का पीछे में ही हूँ, बना रहा हूँ इसको। तो ये इस साल में इसको थोड़ा अच्छा से करके इस साल में 2-3 महीना के बाद में मछली चोर के देखेंगे। फिलहाल पानी भी निकल गया, तो इतना डेप्थ में ही पानी निकल गया, तो ये खुश बात नहीं है। विंटर में किस तरह का होगा, समर में तो पानी मिल गया अभी, तो विंटर में एक बार देखना पड़ेगा। तो अभी यही काम चल रहा है, आप देख सकता है। तो आज मेरा बहुत बेहत लग गया, जिस काम के लिए मैं मशीन लेके आया था वो काम नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे भी मुझे तो 20 पोन तो खोदना ही था, लेकिन बहुत जल्दी हो गया। आज मेरा जिस काम के लिए लाया था वो एकदम क्या बोलूँ, और बहुत ख़राब नसीब हो गया। तो यही चीज़ है, तो आज 20 पोन का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप। तो आप लोग देख के आप लोग ज़रूर बताना मुझे। तो फाइनली देख सकता है आज तक ऐसे इतना ही हो रहा है, लेकिन मैं एडवाइस देता हूँ कि JCB से ये सब चीज़ नहीं करना है, बहुत टाइम जाता है। वहाँ से बेस्ट पोकलैंड सबसे अच्छा है मुझे लग रहा है। तो देख सकता है इस तरीके से हम लोग खुदाई कर रहा है। तो शाम हो गया, तो देखते हैं तो कितना बजे तक आज कर पाएंगे। तो बहुत कम एरिया निकला है अभी तक, तो इतना ही है। तो आप लोग बने रहिए। तो रात हो गया, आप देख सकता है पूरा लाइट जल गया। तो तकरीबन अभी रात का समय भी थोड़ा हो गया, लगभग आपका 6:19 हो गया जैसे लग रहा है मुझे। हाँ 6:19 हुआ है, आप देख सकता है। तो वही है, तो आज तक के लिए आपको हम इतना ही वीडियो दिखा पाएंगे, उसके बाद में शायद वीडियो का बिजली ठीक नहीं रहेगा। तो हम लोग तो जैसे भी तो काम करते रहेगा, कितना समय तक करेगा देखिएगा। तो कल भी खुदाई करेगा, तो तब तक के लिए आप लोगों को फिर दोबारा मिलेंगे। एंड बाय बाय।